चंद्रयान-3 सफलता पर चंद्रयान-4 को मिली केंद्र कैबिनेट मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी मिली। एसहित गगनयान मिशन को आहुरी व्यापक करने को अनुमति मिली। एपाई 2104 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। चंद्रयान-4 मिशन ने सैटेलाइट चंद्र को जाई फेरिबो एवं चंद्र पृष्ठरू माटी एवं पत्थर नमूना आनिबा पई योजना करा जायछि। कैबिनेट मंजूरी पर एने सूचना दैछन्ति केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव। भारतर दीर्घ मियादी स्पेस मिशन क्षेत्र में यह एक बड़ पदक्षेप बोली कहा जाउछि। चंद्रयान-3 चंद्रपृष्ठर दक्षिण मेरु रे सफल भावे अवतरण करिथिला। हेले चंद्रपृष्ठ रे राति आसीबा परे चंद्रयान रे जाइथिबा रोभर कार्य करिनथिला। चंद्रयान-4 रे आधुनिक टेक्नोलोजी जोड़ा जाइछि। या किपरि चंद्र को जाई सुरक्षित भावे पुणी पृथ्वी को फेरी आसीबो ता उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। एति सहित 2035 सुधा भारत अंतरिक्ष रे स्पेस स्टेशन निर्माण करिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। एति सहित 2040 सुधा चंद्रपृष्ठ को मनीष पठेबा पई योजना करुछि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो। 3 वर्ष भितर एही मिशन शेष हेबा पई लक्ष्य नै कार्य आरंभ होइछि। चंद्रयान-4 रे घरोई टेक्नोलोजी रो विकास उपरे गुरुत्व मध्य दिया जाउछि। दर्शक बंधु किछि तथ्य उपरे नजर पकाइबा। चंद्रयान-4 को कैबिनेट मंजूरी मिलिछि। चंद्रयान-3 रो सफलता पर चंद्रयान-4 रो कथा मध्य चिंता करा जाउछि। मोदी नेतृत्व में अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में ए मिशन को बा चंद्रयान-4 ए अभियान को मध्य मंजूरी मिली। गगनयान मिशन को आहुरी व्यापक करने को एभली प्रयास एभली उद्यम आरंभ करा जाइछि। जहार प्रयास को मध्य अनुमति मिली। एथिपाई 2104 कोटी टंकार गोटे व्यय अटकल करा जाइछि। बजेट प्रस्तुत करा जाइछि। चंद्रयान-4 मिशन ने सैटेलाइट को चंद्र को जाई फेरिबो ये गोटे बड़ पदक्षेप निया जाउछि। चंद्र पृष्ठरू माटी एवं पत्थर नमूना आनिबा पई मध्य प्लान करा जाउछि। चंद्रयान-4 रे घरोई आधुनिक टेक्नोलोजी उपरे गुरुत्व मध्य दिया जाउछि। स्वदेशी ज्ञान कौशल कथा कहा जाउछि। 2035 सुधा अंतरिक्ष रे स्पेस स्टेशन निर्माण पाई मध्य लक्ष्य रखा जाइछि। 2040 सुधा चंद्र पृष्ठ को मनीष पठाइबा को मध्य योजना करा जाइछि। See, you would have seen Chandrayaan-4 mission is primarily targeted to demonstrate technology to go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan-3. So that is what is brought in here. But if you had to send a man later in 2040 as envisioned by our Honorable Prime Minister, we need to have confidence on the technology. So primarily Chandrayaan-4 is for that purpose, how to do it at a low cost. So if you have to send man right now, we can't do that. We need to go step by step. So that is primarily the Chandrayaan-4 mission goal. Now you talked about the Bharatiya Anvesh Station. Yes, there is a definite timeline. The goal given to us by Honorable Prime Minister is that we must have a full-fledged station by 2035. So our plan here is to launch the first module of the Bharatiya Anvesh Station called BAS-1 by 2028. But for doing that, we have limitations of the launch vehicle capability. So what we can do with the current rocket is what we have proposed in this part of the program. And you have seen that NGLV coming up later. When it comes up, the remaining part of the space station will be built. So the timeline is accordingly worked out. First unit will go in 2028. Remaining part will go in the process, will reach up to 2035. We'll have full-fledged station. दर्शक बंधु आपण पूर्व देखी चंद्रयान सफल अभियान को भली भाव में आरंभ होता और शेष होता। आ चंद्रपृष्ठ भारत गोटे ऐतिहासिक ना लिखि आसू भितर चंद्रयान-4 अभियान को नहीं परिकल्पना करा जाउछि। एने केंद्र सरकार सबु प्रकार सहयोग लोड़ा जाइछि। एथिपाई स्वतंत्र बजेट प्रस्तुति करा जाइछि। पाखापाखि 2104 कोटी टंकार व्यय अटकल करा जाइछि एवं लक्ष्य रखा जाइछि 2040 सुधा चंद्रपृष्ठ रे मनीष को पठेवा पई योजना करुछि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो। एथि सहित 2035 सुधा भारत अंतरिक्ष रे स्पेस स्टेशन निर्माण करिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। जो कथा हमें देखुतलु यूएस कथा कह जाऊ रशिया कथा कह जाऊ चंद्रयान अभियान गोटे पर गोटे से करुछंती आ भारत मध्य इसरो पक्षरु ए व्यापक व्यवस्था मध्य करा जाउची। स्पेस क्षेत्र रे वैप्लविक परिवर्तन आसी आ केंद्र सरकार संपूर्ण मध्य सहयोग रही। चंद्रयान-3 रो सफल परीक्षण पर चंद्रयान-4 को नहीं आरंभ हो सारा व्यापक प्रस्तुति इसरो पक्षरु एने मध्य प्रस्तुति करा जाइची। आ 1,104 कोटी टंकार व्यय अटकल रखा जाइची। गगनयान मिशन को आहुरी व्यापक करने केंद्र सरकार सहयोग मध्य लोड़ा जाइची।